हे गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और अभी मैंने देखा टीवी ऑन करके कि हमारा टाटा स्काई ख़राब हो चुका है, तो मैंने टेक्नीशियन को फ़ोन कर दिया है। तो वो मतलब कंपनी में फ़ोन करा है, वो अपने टेक्नीशियन को भेजेंगे और ये टाटा स्काई हमारा सही हो जाएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, क्योंकि टीवी चलता तो थोड़ा सा निशल देखता रहता था, टाइम मेरा कट जाता है। मतलब काम कर लेती हूँ ना, वो डिस्टर्ब करता है मेरे को बार बार। तो अभी कि जब तक सही नहीं होता है तब तक तो थोड़ा निशल मेरे को तंग करेगा, उतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। तो खाना ना बना लेती हूँ, फिर खा पी के मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो वो हमारा टाटा स्काई भी ख़राब हो गया था, तो उसका हम लोग ने रिपेयर करा लिया है और एक भैया है उन्होंने कर दिया है। एडॉप्टर का इशू था, सही हो गया है। तो आपको दिखाते हैं, क्या बोल रहे भैया? वो तो मेरे कोड चाहिए। अच्छा, कोड। देखिए ये आप चाय पी रहे हैं आराम से बैठ के। वैसे आप यहाँ बैठो, ये मैंने ही डाला यहाँ पे बैठने के लिए ना, चाय पी रहे हैं। आजकल मैं भी चाय वाय पी लेती हूँ। तो आज हम लोग ना लगभग एक साल बाद बालकनी में बैठ के चाय पी रहे होंगे ना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये देखिए थोड़ा सा सेटअप मैंने ऐसे करा है, प्रॉपर अभी कुछ नहीं कर पाई हूँ क्योंकि एसी वैसी लगना नहीं है। तो ऐसे जगह एंगेज है तो और कुछ नया नहीं कर सकते, इतना बस थोड़ा बहुत कर लिया है। हालांकि बालकनी भी हमारी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कर देंगे ना तो फिर खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। और एक चीज़ और है कि कपड़े भी हम यहीं पर फैलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तामझाम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस करे जा सकते हैं पर उसमें भी टाइम है। और बताइए कैसी लग रही चाय? बहुत अच्छी। देखिए मैंने ग्लास में चाय अपने लिए लेके आई हूँ क्योंकि कप अंदर से निकालने का मन नहीं, इससे बड़ा बर्तन था नहीं क्योंकि ज्यादा बन जाती है ना तो कप में नहीं आती है ये मैंने सच बोल दिया है। एक्चुअल में क्या ना, कप रखे अंदर और कप हमारे यहाँ छोटे, चाय बन गई ज्यादा तो ग्लास में ही आएगी। तो मैंने ना इसीलिए अपने ना ये ग्लास निकाल लिया है। चाय, मैं चाय पीती नहीं हूँ लेकिन जब पीती हूँ तो चाय पीती हूँ सही सही बात है। बस ये वो चाय का तो मेरा ऐसा वाला सीन है ना, बच रही है तो पी लो, नहीं तो मेरे को पीनी नहीं होती है चाय। मैं सबसे पूछती हूँ चाय बनाने के बाद कि चाय पीना है और पीनी है चाय क्योंकि मुझे चाय बनाना पसंद नहीं है और मैं बनाती तो बहुत ज्यादा बना देती हूँ चाय हमेशा। देखो दो दो बार चाय मैंने इनको पिलाई है, ये कह नहीं सकते मैं इनको चाय नहीं पिलाती हूँ। बोलो, चाय पिलाती हूँ। और बहुत खराब खराब सा मौसम हो रखा है, बहुत ड्राई ड्राई सा। और ये एक बालकनी ऐसा जगह है ना जहाँ पे थोड़ा फ्रीली बैठ सकते हैं और बाहर की हवा ले सकते हैं, वरना बाहर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि वहां तो जाएंगे मास्क लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और चाय मेरी ठंडी हो चुकी है क्योंकि मैं ठंडी पीती हूँ चाय, गर्म नहीं पी पाती हूँ। अच्छी लग रही है। कई दिनों बाद मैं काम से बाहर निकल रही हूँ, अभी निशा सोया है तो मैं 2 मिनट का काम है निपटा के आ रही हूँ। एक्चुअली वापस करने जा रही हूँ मैं जिनसे मैंने लिया था, वो 8-10 दिन हो गए मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं आई हूँ। तो चलते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इतना कोविड बढ़ रहा है, पर वही कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, केवल प्रिकॉशन ले सकते हैं और जितना हो रहा है उतना ले भी रहे हैं। तो देखिए पीछे से अब हम लोग के ब्लॉक के बीच में जो बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन वाला जो कलर कंट्रास्ट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसे ही और भी सारे ब्लॉक्स जो हैं वो उनका भी रिनोवेशन होगा तो वो भी अच्छे लगने लगेंगे। मैं ये पीछे वाले रास्ते से आ रही हूँ, आगे से नहीं जाऊँगी।
हम दोनों लोग फास्ट रहते हैं और निशल तो भी नहीं रहता है क्योंकि निशल बच्चा है और बच्चों को तो रहना भी नहीं होता है, तो निशल के लिए जो बनेगा बनेगा। हाँ, कि हम लोग तो फास्ट रखेंगे, तो फास्ट में हम नॉर्मली कूटू को आटा या साबूदाना या दिन में फ्रूट्स ऐसा भी खा लेते हैं और एक टाइम कोशिश करते हैं कि हम साबूदाना खा लें। मगर ये डिपेंड करता है कि हम बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम जैसे रख पाते हैं वैसे रख लेते हैं व्रत। और तो मैं अभी जा रही हूँ बर्तन धुल लें, खाना वाना सब हो चुका है तो बर्तन पड़े हैं, तो कल की तैयारी सब हो चुकी है, सब मैंने क्लीन कर दिया है सब तरफ, ये सब फ्रूट्स भी आ गए हैं उनको भी मैंने धुल के रख दिया है, तो बर्तन वर्तन धुल लेते हैं और टाइम से सो जाएंगे ताकि कल सुबह टाइम से उठना भी है और पूजा की तैयारी भी करनी है। तो